हेलो नमस्कार साथियों, मैं हरबीर सिंह स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी 24 ऑफिशियल में। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। और अगर आप टीचिंग लाइन से हैं या देश के किसी भी कोने से टीचिंग लाइन से जुड़ी हुई बड़ी खबरें पाना चाहते हैं तो आज ही आपका अपना चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अभी मैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट खबरें लेकर आया हूँ। और जैसा आप जानते हैं कि एडवोकेट अशोक अग्रवाल सर ने अवमानना पिटीशन लगाई थी और उसमें आपको पता होगा जो स्पेशल वाली वैकेंसीज हैं उनके बारे में भी अवमानना की जो पिटीशन लगाई थी तो उसका भी जवाब आ चुका है। और काफ़ी कैंडिडेट्स के क्वेश्चन आ रहे थे बार बार, तो एडवोकेट साहब ने जो मतलब अपडेट दिए वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो अभी कोर्ट ने क्या किया है, कोर्ट ने जवाब मांगा है डीएसएसबी से, डीएसएसबी को फटकार लगाई है कि आप मतलब 1000 पद खाली होने के बावजूद भी ये वैकेंसीज फिल क्यों नहीं की गई हैं और दिव्यांग बच्चों के साथ आप गलत क्यों कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे हुई हैं और उम्मीद जताई जा रही कि जल्द ही इस पर डीएसएसबी अब एक्शन लेगा क्योंकि कोर्ट ने फटकार लगाई है। और इसके बाद जैसा आप जानते हैं कि कोर्ट ने भी जवाब मांगा है कि ऐसा क्या कारण है कि आप ये जो वैकेंसीज है फिल क्यों नहीं कर पाए और मतलब न्यू रिक्रूटमेंट क्यों नहीं निकाल पाए आप। और मतलब 1000 के लगभग अभी मतलब शिक्षकों के पद खाली हैं स्पेशल वाले जो हैं, तो अभी आप देख सकते हैं कि कितना मतलब बुरा सिस्टम है। और इतना टाइम बीत जाने के बाद भी जो आप जानते हैं दिव्यांग बच्चे हैं उनके साथ इतना गलत कर रहे हैं, तो अब देखते हैं क्या होता है आगे। हालांकि कोर्ट ने अभी जवाब मांगा है और अभी डीएसएसबी अपना जवाब देगा, जवाब देने के बाद मतलब वो कारण बताएगा कि क्या कारण रहा है। और जहां तक है यही सेम टू सेम वो कारण बताएंगे कि भाई जो अभी वैकेंसीज पूरी नहीं हुई है, मेडिकल है, किसी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, इन सब की वजह से ये प्रोसेस लेट हो गया है। तो यही अपडेट है आप लोगों के लिए, आगे देखते हैं क्या होता है। हालांकि उम्मीद यह है कि जल्द से जल्द डीएसएसबी अब इस पे वर्क करेगा। और क्योंकि अब क्या है कि डीएसएसबी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं क्योंकि कोर्ट का बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है न्यू रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग। और अब देखते हैं, देखने वाली बात यह होगी कि क्या डीएसएसबी इस पर अच्छे से वर्क करेगा। हालांकि कोर्ट से बड़ा कोई होता नहीं है और अभी देखते हैं। उम्मीद यही है कि सारी चीज़ें आप लोगों के साथ अच्छी होंगी। तो फ्रेंड्स, इसके बाद बताना चाहता हूँ हमारे इंग्लिश का एक ऑनलाइन कॉन्टेस्ट चला हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आपको जो फेवरेट कैंडिडेट लगे आपका तो आप उनको सपोर्ट करें। इसके बाद बताना चाहता हूँ जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं नेक्स्ट मंथ के लिए वो मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।